जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बड़े अच्छे होंगे। मैं पवन किशोर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 95 पर। तो दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण खबर आप सबके लिए लेकर के आए हैं। बहुत लोगों ने मैसेज किया था कि सर कुछ बताइएगा आप। तो यूपी ट्रिपल 80 जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है और अच्छी खासी पोस्ट आई है। इतनी अच्छी पोस्ट अभी तक नहीं आ रही थी। उसमें आपके 3800 प्लस पोस्ट है, ठीक है, 3800 पोस्ट है। और ये जूनियर असिस्टेंट के लिए 3800 पोस्ट बहुत होती है, जैसा कि आपको भी पता है। लेकिन इसमें इशू क्या है कि इसमें पहला क्वेश्चन ये है बच्चों का कि कौन कौन भर सकता है ये फॉर्म। तो कौन कौन भर सकता है, मैं सबसे पहले बता दूं कि पेट 2022 स्कोर के अकॉर्डिंग ही इसका फॉर्म फिल किया जाएगा। जिनके 62 नंबर बन रहे हैं पेट 2022 में, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा वो फॉर्म को ना फिल करें, पैसा बर्बाद ना करें। दूसरी चीज नोट कर लीजिए कि इसका जो सिलेबस होता है वो भी बहुत इजी सिलेबस होता है। 40 नंबर की आपकी हिंदी होती है, ठीक है, 40 नंबर आपकी हिंदी होती है, 20 नंबर की आपकी रिजनिंग होती है, ठीक है, 20 नंबर का आपका जीएस होता है। तो ये होते हैं टोटल 80, और एक क्वेश्चन को इस आधा मार्क्स से इसे मापा जाता है। मतलब टोटल कितने मार्क्स होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क होते हैं, ठीक है। और इजी पेपर तो नहीं कह सकते, पर 40 हिंदी है तो एटलीस्ट आप 35 हिंदी ला सकते हो। अगर 35 हिंदी आ गई इसमें, अगर आपने 35 ले, चलो 30 ले लिया, और इसमें आपने मात्र 10 ही लिया और इसमें 10 ले लिया, तो आपके कितने बन गए, लगभग 50, और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। लेकिन एक और आर्टिकल था इसमें कि आपको 25 वर्ड पर मिनट्स आने चाहिए टाइपिंग, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है, 25 वर्ड पर मिनट आपको आने चाहिए टाइपिंग, इतना आपके लिए कंपलसरी है। और जो भी इस वैकेंसी के बारे में और जानना चाहते हैं तो वो sarkarizail.com पे जाके चेक कर सकते हैं। ये नई वैकेंसी है, एकदम फ्रेश वैकेंसी है। इसके साथ ही वैकेंसी और भी आई है, इस समय फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई, उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में बताने का यही मतलब था कि पेट में जिनके 62 मार्क्स आ रहे हैं, वही जो अकॉर्डिंग टू 2022 में जो पेट्स हुआ था उस पेट के अकॉर्डिंग 62 मार्क्स आ रहे हैं, तभी आप इसको फिल करिएगा, अन्यथा आप फिल ना करिएगा। अगर इतने मार्क्स हैं तो, और वैकेंसी अच्छी खासी है, इसलिए आपको इसमें मेहनत करनी चाहिए। सब्जेक्ट भी आप देख सकते हो, 40 हिंदी होने का मतलब है कि आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, एकदम कन्फर्म, अगर आपकी हिंदी अच्छी है। वैसे सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए नहीं कह सकता क्योंकि उनकी हिंदी अच्छी नहीं होती है। रीजनिंग में 20 है तो 15 आनी ही आनी है। जीएस में आपके चाहे जितना पढ़ लो, बहुत अच्छा पढ़ लिया तो 12-14 आ गए, और नहीं पढ़ पाए ठीक ठाक तो 8 आ गए, तो इतना कंफर्म है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ऐसी कोई नॉलेज चाहिए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी तरीके से न्यूज यहाँ मिलती है। आगे की वीडियो में और भी न्यूज आएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।